समस्त जनों को सेठी परिवार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप और क्या हालचाल हैं आपके? तो हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं आज सलीक कमरे से, बिकॉज इस कमरे में हमारी बहन ने अभी नहीं एक्चुअली 2-3 दिन पहले इसने एक चीज बोली जो हमें कभी रियलाइज ही नहीं हुई। तो राहुल की अलमारी एक्चुअली इस रूम में और उसके सॉक्स और अंडरगारमेंट्स वगैरह उस वाले रूम में, तो वो रोज रात को दीदी और उस रूम में सो रहे, तो रोज रात को अपने कपड़े वहां से निकालता था। तो दीदी बोलती कि तू तेरे कपड़े वहां, तो सामान यहाँ, तो तूने ऐसे क्यों किया हुआ है? राहुल ने दीदी को ड्यूटी दे दी कि चलो अगर आपने नोटिस कर ही लिया है तो अब आप ये सारा ठीक करो। तो दीदी इसी काम में शुरू हो गई है, वो लगा रही है राहुल की ड्रॉअर में सारे यहाँ पे सामान, यहाँ निकल चुका है हमारा सामान। हेलो पंखा, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ पंखा, पंखा मैं चला देती हूँ। ये ड्रॉअर हो गया है साफ, इसमें आ जाएंगे सही साफ के सॉक्स और दूसरे वाले में दूसरा सामान रख देंगे। Hello guys, how are you? Good night. And you know that आज हम तो आपको दिखा ही रहे हैं कि सिर्फ तो नानी आए हुए हैं, तो कल हम जा रहे हैं सुबह 5 बजे उठ के सैर करने। क्या होता है लाइक हम एक गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे बाहर एक पार्क होता है जिसमें नो स्विंग नो नथिंग एंड वहाँ पे बस घास होती है और वो गीली होती है सुबह के 5 बजे। तो हम सुबह के 5 बजे उठेंगे और 5 बजे उठ के हम जाएंगे उधर, तैयार तैयार होंगे उधर जाएंगे, वहाँ पे गीली घास पे होंगे। 6 o'clock तो धूप हो जाती है ना, एंड आफ्टर दैट हम आ जाएंगे। एंड यू नो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा बॉनविटा काइंड ऑफ अ थिंग बनाई है। उसमें क्या होता है, यू कैन ट्राई इट एट होम बट इट्स नॉट अ स्टंट एंड काइंड ऑफ थिंग। सो व्हाट डू वी डू, फर्स्ट वी टेक अ बोल लाइक यू टेक अ वो लाइक अ कंटेनर विच कैन गेट ओपन एंड ईजीली लाइक अ लिप बाम कंटेनर एनी थिंग रीजर कंटेनर, यू जस्ट हैव टू क्लीनली क्लीन इट नाइस, देन पुट अ लिटिल वाटर जस्ट दिस बिट ऑफ वाटर, देन यू विल पुट बॉन्विटा दैट इट कैन मिक्स, ओके। सो देन वी मिक्स इट, इट्स ईजी एंड यू जस्ट पुट इन फ्रीजर। आई मेकिंग इट, आई गेट इट एंड शो यू गाइस। अभी मैंने आपको बताया था कि लिप बाम्स है, तो ये वाली लिप बाम ऐसा आपको कोई एक कंटेनर चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा बॉन्विटा डाला है, आप उसको कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, या लिप बाम में स्टडी लिप बाम भी बन जाएगी अगर आप ईट भी कर पाओगे। देखो गाइस कितना दिमाग चलता है अपन का। सो गाइस अभी आपने मैंने आपको बात भी करवा ली बॉर्नविटा वाली, कि बॉर्नविटा का कंटेनर खोलते हैं, खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, नेचुरल भी होगा। तो वो उसकी मैंने आपको रेसिपी बता दी, अब मैं और मेकअप इंग्रीडियंट नेचुरल की बताऊँगी। तो क्या होता है लाइक एक कंटेनर लेंगे जैसा वो बॉर्नविटा वाला था, उसको लेके साइड पर रख देंगे धो के सूखने के। फिर बीटरूट लेंगे अगर, और इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस में काट जाएंगे और घिस देंगे। अगर आप छोटे बच्चों तो वाला पार्ट आप बिल्कुल मत करना, ठीक है। जब वो हम घिस जाएगा उसको लेना है और अपने हाथों से डाल देना है एक बोल में या एक कप में भी डाल सकते हो छोटा सा, उसमें आपको स्क्वीज करना है। फिर जब आपका कंटेनर होएगा तब तक सूख गया होएगा, तो उस कंटेनर में उस पुरुष को लगा देना और डाल देना, और उसको थोड़ी देर जो होएगा उसको रख देना फ्रीजर में, वो 10 मिनट्स के बाद हो जाए। क्योंकि जो बॉर्नविटा है वो थोड़ा सा थिक होएगा, थिक ये तो बहुत छोटा सा है तो थिक होएगा वो, तो उसको थोड़ी देर रखना होगा। उसका टेस्ट बहुत खट्टा सा आ रहा है मुझे, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब मैं दूध डालूँ ना तो ज़्यादा अच्छा लगा, मैं तो पानी डाल रहा है, पानी से बहुत खट्टा लग रहा है। जब मैं दोबारा बनाऊँगी ना उसको तो करूँ, वो तो मैं स्कूल भी लेके जा सकती हूँ, है ना, क्योंकि क्या हो गया कैंडीज तो स्कूल में यार अलाउड है और लिप बाम तो अलाउड नहीं है, तो स्कूल में कैंडी भी लिप बाम भी मैं बीटरूट पर लेंगी। फिर बीटरूट में उसमें ना एक इसमें पूछ गई, जो आपने वो डालोगे ना सिर्फ उसको एक वैसलीन के साथ मिक्स करके बॉईल करके फिर डालना है, सॉरी सॉरी,
तो बस बाय बाय। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू द सेठी फैमिली व्लॉग्स। हाउ आर यू गाइज, व्हाट आर यू डूइंग? एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। वी आर क्लीनिंग इनसाइड, सो आई हैव कम आउट टू डू द गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो इनसाइड एंड शो यू व्हाट आर वी डूइंग इन दैट। ओके बाय गाइज। तो हाय गाइस, आपको दिख रहा होगा कि मम्मा अभी क्या कर रही हैं। तो मम्मा अभी सारे कपड़ों को साफ कर रही हैं। उनका ये थर्ड ड्रॉर चल रहा है या नहीं, इनका फोर्थ ड्रॉर चल रहा है। मम्मा मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। मम्मा ने बोला था थर्ड ड्रॉर है, तो मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि कौन सा ड्रॉर चल। कैन टेल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो दो दिन से मैंने कैमरा नहीं उठाया था। आई थिंक रिदा ने देखा कि मम्मी ने तो उठाया नहीं कैमरा, तो रिदा ने अभी कैमरा जाके ऑन कर लिया। एक्चुअली बहुत सारे काम ऐसे चल रहे हैं, तो आई डोंट नो, फिर मैंने इस वजह से उठाया ही नहीं कैमरा। और अभी चल रही है मेरी क्लीनिंग, थोड़ी डीप क्लीनिंग चल रही थी रिदा की। ये जो कपड़े वपड़े जो ड्रॉअर वाला साइड है वो ना बहुत लाइक सेट ही नहीं हुआ था और बहुत मेसी हो रखा था। हाँ। तो आई थॉट लेट मी जस्ट डू इट। तो बस अब मेरा हो गया है ऑलमोस्ट सारा, एक दो ड्रॉअर रह गए। आई एम जस्ट सेटिंग अप दैट। मिलेंगे हम आपसे। आप देख रहे हो कि मेरे कितने कितने प्यारे सूट मम्मा। ये किसने दिए थे? ये किसने दिया था भूल गई मैं तो। अंबाला दित्वी। ओ दित्वी गेम है नॉर्मल। यस दित्वी गेम यू दिस। यू कैन वेयर दिस विद द जींस रदा। यस आई कैन। आप लोग भी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। मम्मी ने लगाई थी आज मशीन, और मशीन सुबह-सुबह लगा दी थी। बट घर में पानी नहीं है, दैट्स व्हाई मशीन आ गई। बंद करवा रही है। हां नहीं आता ही है। अब वो ना सिर्फ इतना पानी है कि या तो आप कपड़े धो लो या आप करके धो लो। तो हम करके धोने के लिए हमने छोड़ा है पानी, कपड़े तो बाद में भी धो जाएंगे, समझे आप दोस्तों। गुड मॉर्निंग सेठी साहब। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ यार, आप बताओ। सिमरजीत कौर ने कैमरा उठाया बड़े दिनों बाद। ऐसा क्यों करा आपने? बस आई टुक अ ब्रेक। आई टुक अ ब्रेक। बहुत पैसे कमा लिए। बहुत पैसे कमा लिए, इतना पैसा मैं कहाँ संभालूंगी। तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया। बहुत ही बढ़िया, पैसा ही पैसा होना पैसे। कैसे आप? मैं ठीक ठाक हूँ यार। आज इंडिया इंग्लैंड सेमीफाइनल है गाइस। आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड एज एक्साइटेड एज आई एम। तो आज देखेंगे इंडिया इंग्लैंड, देखते हैं कौन जाता है फिर। आई थिंक साउथ अफ्रीका तो पहुंच गई है। पहुंच गई? हाँ, अफगानिस्तान हरा दी उन्होंने। बाकी देखते हैं। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? चाय पीजिए। चाय बढ़िया बढ़िया। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत ही रोमांटिक मौसम हो रखा है। तो मेरा हस्बैंड जा रहा है ऑफिस, मौसम ने लगा दी है झड़ी, सावन की शुरू हो गया है, सावन का महीना। यहाँ पे हो रहे हैं तैयार सेठी साहब, हम लेके आते हैं नीचे से रस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? 3 दिन के लिए हो गई थी मैं मिस। यूट्यूब पे कुछ भी नहीं डाला था, कोई ब्लॉग नहीं आया था, कुछ नहीं हुआ था। इट वॉज अ मच नीडेड ब्रेक विच आई टुक फ्रॉम ब्लॉगिंग, बिकॉज रेगुलर व्लॉग्स आ रहे थे, तो मैंने इस वजह से ब्रेक ले लिया था। गुड मॉर्निंग। आज सबको सुबह सुबह ही दिखा दिया है, मैं सुबह सुबह पकड़ लिया मैंने सबको। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? देखिए आदमी छुपा हुआ है दोस्तों, पापा पीछे से ऐसे 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 कर रहा है। मैं तो अभी बाय सेठी साहब, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बस ठीक। तो 3 दिन से मैंने कैमरा भी नहीं उठाया है, तो आराम से सब रिलैक्स चल रहे थे। सेठी साहब जा रहे हैं, खूबसूरत मौसम हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊं दोस्तों आपको। हस्बैंड साहब को बाय जाते हैं यहाँ से। अब बैठ के पियेंगे चाय और खोलेंगे अपनी आँख जो कि बंद चल रही थी। आए टंगा टुंगा इन दुख दिया पियाँ हैं लोगों की, दसिए कल हमारे यहाँ पे जीप क्लीनिंग हुई है हमारे एक कमरे की,
ये लोग बोल रहे थे जाए हम क्या कर रहे हैं, तो मैंने इन लोगों को सफाई में लगा दिया। कल कुछ नहीं बोला जाए जो है वाला, कल इन्हें मैंने सांस ही नहीं आ रहे दिया क्योंकि मैंने इतनी सफाई करी। तो ऐसे हो गया, अरे आज तुम्हारा दिन पास हो गया। हाय मेरी कुर्सी, उठ जा कुर्सी, थोड़े से दिन रह गए स्कूल की छुट्टियों के। आप मुझे क्यों उतार रहे हो? अगला हफ्ते से स्कूल स्कूल आएगा मजा। रिदा सेठी अपना उठ के सारा रूटीन कर चुकी हैं। गुड मॉर्निंग रिदा। आर यू रेडी फॉर स्कूल रिदा? बहुत कम दिन बचे हैं अब आपके। स्कूशीज इन्होंने अपने आप बनाए हैं, विद बलून्स, सम ग्लिटर, बीन्स, वाटर बलून्स एंड यू नो सम ग्लिटर। वेरी गुड, चलो लेट्स गो। अच्छी रूटीन इसने फॉलो कर ली है ना, अच्छी रूटीन। हाँ हाँ, उठी, ब्रश किया, नहाई धोई, हाँ सिर किया, हाँ और अभी एक्सरसाइज भी कर ली भी जा रही है, नाश्ता करेगी, नाश्ता अपने आप बैठ के। गुड बेबी गुड। सी गाइस द ग्लिटर। वाह, यहाँ चल रहा है नाश्ता, बच्चे बैठे दोनों नीचे अपने अपने फोन लेके, बच्चे हो गए हैं चले फोन दे उत्ते, और यहाँ पे भी चल रहा है नाश्ता। मम्मा इसमें मिर्ची तो नहीं? ये मिर्ची है, देख सकते हो थोड़ा, मुझे भी चाहिए थे। आपको भी दे देते हैं, हाँ खोल के देख लो उसको। हाँ आप भी बैठ जाओ भाई। हाँ मैं चाय दी, दूसरी को चाय मांग दिया। हाँ मैंने वहाँ रखी है चाय, मेरा नाश्ता है टोस्ट और चाय। पासपोर्ट आ गया भाई, तो आ गया है मम्मी का पासपोर्ट। लेट्स जस्ट ओपन एंड सी कि क्या है। दादी का वीजा, दिखाओ दिखाओ। तो अरुण सेठी का वीजा लग गया है, मल्टी वीजा 2024 तक। मुबारक है जी, मम्मी रोने के लग गई है। तो वीजा लगा यूके का, मम्मी का रोना निकल गया। वो तो रोने के काम तुम्हारे, मैं तो वहां जाकर भी नहीं रोऊंगी ना वापस आते हुए। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मेरे हाथ ठीक नहीं बने, मैं साफ कर दी। अच्छा लो आप भी देखो अपना खुशी काम कुछ नहीं। भगवान ने ऐसा बनाया हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती, ना आने का काम ना जाने का किसी का। वो याद है जब हम विजय से बाहर निकले वहां से, तो रिदा क्या बोलती, दादी एक बात सुनो, अगर आपका लग जाए और कार्तिक आरो का ना लगे तो क्या होगा? हाँ, और वो ही मेरा तो आ गया, अभी कार्तिक आरो का नहीं आया। कार्तिक की जान सूखी पड़ी है भाई, हमारे तो हमें कल ही मेल आ गई थी। हाँ, हाँ। बट कार्तिक और का ना अभी तक आया नहीं है, तो कार्तिक की जान सूखी पड़ी है। ये भी गारंटी है अगर कार्तिक आरो को नहीं लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, इन केस अगर 6 महीने में कोई इमरजेंसी नहीं है दिव्या को, दिव्या को जरूरत होगी तो जरूर जाऊंगी 6 महीने में, और नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, जाऊंगी उनके साथ ही। चलो बढ़िया, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम लोग? टीका लगा रहे हर एक भगवान जी को, मुझे क्यूट लगते हैं। अच्छा क्यूट लगते हैं, मम्मी रख नहीं देती मुझे इनको। क्यों? क्योंकि इनकी देखभाल करनी होती है। अच्छा देखो हम थोड़ा सा टीका लेते हैं और फिर उनके पैरों पे। बेटी टीका जो आपने थोड़ा सा लिया ना वो मुझे सब दिखाई दे रहा है। अरे हम सबके लगा रहे हैं ना। तो ये मंदिर एक्चुअली अभी यहाँ आया हुआ बिकॉज मैं उधर वाले रूम का सफाई कर रही हूँ। सो मैं आ गया था घर बहुत टाइम पे, क्योंकि आज है इंडिया और इंग्लैंड का मैच और आज सेमीफाइनल होने वाला है, तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रखी है। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माता क्या कर रही हो? निप्पल्स थे ये रिदा की बॉटल्स के, जो रिदा पीती थी मतलब 6 साल पहले 5 साल पहले, तो वो संभाल के रखे हुए थे, अब मम्मी ने उसको डिस्पोज करने का तरीका निकाल दिया। रिची तो ये प्यारे। तो ये काट दिए, ऐसे काट के फेंकनी चाहिए मम्मा? हाँ बच्चों की चीजें ऐसे ही नहीं फेंकनी। अच्छा ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए। गाइस जिसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ भी डिस्पोज कर रहे हो तो प्लीज उसको काट के कैंची से फिर डिस्पोज करिए, ओके। और ये देखिए हमारी रील की नई स्टार है इंस्टाग्राम, टिकटॉक वीडियोस बना रहे हो तुम? अच्छा तो ये टिकटॉक वीडियोस बना रहे बिना कैमरे के। गाइस मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कैमरा नहीं है, अगर आपने देखा हो। ओके,
वेरी गुड, प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, हमें आईफोन चाहिए। वेरी गुड बेटा, क्या हाल है जी? बढ़िया, मैं तो रोज लग जाती है करने के लिए। आज तो तबीयत खराब हो गई दीदी की, तबीयत खराब हो गई। हाँ, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच रेडी गिर गया, शूटिंग गाइस, शूटिंग की वजह से। मैं दिखाऊंगा नहीं, पिछली बार हमारी वो आ गई थी, क्या बोलते, कॉपी नहीं, लेकिन हम लोग सारे आ गए हैं। पापा भी आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं, बस इस रूम में डेरा लगाएंगे, सीट ले आता हूँ, तीन चार यहाँ बैठ जाएंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, बाकी देख लेता हूँ, जैसे बोलते वैसे कर लेंगे। आ जाओ सिर सर, सिर सर 8,000 का बिल आया है इसलिए बोल रही हूँ, वो बंद कराए कि नहीं कराए, हाँ आ जाओ, चलो बैठ जाओ सिर सर, कम आर यू एक्साइटेड, किसको जिता रहे हैं आज? इंडिया को जिताना, हमने तो और किसको जिताना है ना? ये दीदी ने जयकारा लगा दिया है, जयकारा और वो भी लगा दिया इन्होंने, क्या बोलते हैं उसे, बाबा जी की वो भी लगा, बोले सोनिया सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। चलो जी पापा ये बंद कर दो, अब आप नो डिस्टर्बेंस चाहिए हमें, चलो ओके। रिदा ने सिक्सर सिक्सर बोलना शुरू किया और उन्होंने 2 सिक्स लगा दिया हार्दिक पांड्या ने, वाह रिदा वाह, वेरी गुड मेरे बच्चे, वेरी गुड। अभी सब उठे हुए, बस पापा चले गए हैं, तो रिदा और सिफत दोनों दोनों कर रहे हैं सिक्सर सिक्सर, एक और रिदा, एक और, अरे कैच हो गया यार, दीदी तो ऐसे हताश हो रही है जैसे पैसे लगे हों इसके, बट बहुत बढ़िया हार्दिक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड हार्दिक, वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रिची, कोई बात नहीं भाई, इनसे ज्यादा पैट्रियोटिक कौन दिखेगा। रिदा ने देखना क्या करा है, कलर लगा लिया अपने मुंह पे और इसने भी कलर लगा लिया, सिफत ने भी, इंडिया का मैप बनाते हुए ये चल रहा है मैच, और कमॉन कमॉन कमॉन, हम अच्छी पोजीशन में आ गए हैं, हाँ झंडे बना लिए इन्होंने फेस पे, भाई ये तो इतनी बड़ी वो है, इतनी बड़ी फैन है, मतलब पूरा मैच देख रही है यार ये बैठ के, हाँ ये तो चौका जाता है, तो ऐसे हो जाती है कि पता नहीं क्यों चला गया और विकेट आती है तो, राइट, और टाइम हो रहा है 1:45, 1 मोर विकेट, अच्छा बेटे